मेट्रो ऑरेंज लाइन की तरह एक और मंसूबा ताखीर का शिकार। एक मोरिया पुल अंडरपास तौसी मंसूबा रोक दिया गया। फंड्स की किल्लत के बायस काम ठप हो गया। PC1 के मुताबिक अंडरपास 30 अप्रैल को खोला जाना था। मंसूबे की लागत का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। ऑडियो लीक स्कैंडल, इख्तियारात का बोहरान हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब के तीनों बड़े इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही और गवर्नर सरवर से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी जमात के तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन पर भी बात होगी। ईडन हाउसिंग के मालिकान से प्ली बार्गेन नहीं होगी, मुतासरीन को असल रकम और मुनाफा भी मिलेगा। नैब ने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 20 अरब के असासे कब्जे में ले रखे हैं। नैब दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने वाले मुतासरीन को अंदर बुलाकर चेयरमैन नैब की यकीन दहानी। बोले, करप्ट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी रहेगा। DG नैब शहजाद सलीम की चेयरमैन नैब को दीगर मेगा करप्शन केसेस पर भी ब्रीफिंग। सूरज बादलों की ओट में गायब, शहर पर स्मोग और आलूदगी के बसेरे। बाघों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ गया। शहर में मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 से तजावज कर गया। गार्डन टाउन में सूरत हाल और भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 की सतह तक पहुंच गया। अपर मॉल पर 405, काजी रोड के इलाकों में 425 और बेदियां रोड पर 281 की सतह पर। बैन अल-अक़वामी इदारा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद 250 है, जबकि 300 की हद क्रॉस करने पर एमरजेंसी लगाना पड़ती है। साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के अकाउंट का 500 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड नैब को जमा करवा दिया गया। HBL बैंक का नुमाइंदा नैब में रिकॉर्ड समेत पेश। नैब शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों के असासों के हवाले से तहकीकात कर रहा है। हबीब बैंक से अकाउंट की तफसीलात तलब की गई थी। तनख्वाहें ना मिलने पर शाहीन एयरलाइन के पायलट, केबिन क्रू और दीगर स्टाफ सड़कों पर निकल आया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, फौरी तनख्वाहें दिलाई जाएं। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। PHA की जानिब से जिम और हेल्थ क्लब बंद करने पर शहर के बॉडी बिल्डर्स सराफा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया, बंद किए गए जिम फौरी खोले जाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। पुलिस को गैर सियासी बना रहे हैं, मुझ पर किसी किस्म का कोई सियासी दबाव नहीं। जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही करने वाले अफसराना बच नहीं पाएंगे। पुलिस के अंदरूनी एहतसाब का यूनिट कायम किया जा रहा है। शहरी झूठी दरख्वास्तें देकर वक्त जाया ना करें। IG पंजाब की जेरे तरबियत, पुलिस अफसरान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वक्त को ऑफिस में शिकायत सेल और दीगर शोबों का दौरा भी करवाया गया। गद्दारी केस, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और सहाफी सिरे अलमेडा लाहौर हाई कोर्ट पेश। एहतसाब अदालत पेशी के बायस नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। क्या नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है? आइंदा समात पर नवाज शरीफ आए या फिर दरख्वास्त दे? जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच का हुक्म। समात 19 नवंबर तक मुलतवी। केस में कोई जान नहीं, नैब जो कर रहा है सारा मुल्क देख रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगु। अवामी शिकायत पर सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी का बड़ा फैसला। स्पेशल मजिस्ट्रेट के तमाम समरी क्लर्क्स को ओहदे से हटा दिया गया। तमाम क्लर्क्स को सेशन कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। तमाम रीडर्स को भी तब्दील कर दिया गया। काम में गफलत बरतने वाले अहलकारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेशन जज लाहौर। पंजाब में क़यादत का कोई बोहरान नहीं, वज़ीर आज़म ही लीडर और कप्तान हैं। किस खिलाड़ी को कहां खिलाना कप्तान बेहतर जानता है। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू।
बोले मेट्रो ट्रेन चलेगी। मंसूबे के लिए 300 अरब किसी के घर से नहीं आए। शहबाज हुकूमत ने परवेज इलाही के मंसूबे रोके, हम ऐसा नहीं करेंगे। पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर दम लेंगे। धरने में इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। रियासत के पास ऑप्शंस मौजूद थे मगर मज़ाकरात का रास्ता चुना। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का उलमा व मशायख कन्वेंशन से खताब, बोले इंतशार फैलाने वालों का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। मिशन क्लीन लाहौर 41वें रोज लंडा बाजार, लोहा मार्केट और दीगर इलाकों की बारी। अमले ने छोटी और बड़ी मशीनरी से थड़े, शेड्स और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी। अचानक ऑपरेशन पर लंडा बाजार में तजावुजात के जिम्मेदार मुंह तकते रह गए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब शोबा सेहत की बेहतरी के लिए भी कोशां। शोबा लाइफ साइंसेज के जेर एहतमाम वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक का आगाज। डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक अद्वियात के फवायद और नुकसान से शुरका को आगाह किया।